हंसने में वो भी हंस रही कि पूरे महीने से मेहनत कर रहा है, पूरे महीने काम कर रहा है और पे आउट आया है 191 रुपए का और कह रहा है अब अच्छे दिन आ गए। हेलो यस, मतलब पहले तो हम सिर्फ गुजारा करते थे, अब ये पागल भी हो गया। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि अगर 191 रुपए आ सकते हैं तो 19,000 भी आ सकते हैं और 19,00,000 भी आ सकते हैं। बस शर्त है कि मुझे काम करना है, और काम करना इतना आसान है क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, ये आप नए हैं इस बिजनेस में, लेकिन आपका अपलाइन, आपका सीनियर जो आपसे पहले इस बिजनेस को कर रहा है, वो इस बिजनेस में पुराना है, वो कामयाब हो चुका है, वो पहले से काम कर रहा है, उसका काम करने का एक्सपीरियंस आपके साथ खड़ा है, उसका एक्सपीरियंस आपके साथ खड़ा होता है, कुछ नहीं करना, वो जैसे जैसे बताए वैसे वैसे करते जाना है। अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस बिजनेस के अंदर। जितने लोग अपना दिमाग लगाते हैं ना, ज्यादातर लोग अच्छा काम नहीं कर पाते। जितने लोग अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वो उतने ही ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। पहले महीने 191 रुपए का पे आउट आया, लेकिन हौसला नहीं, थोड़ा कोई काम की जरूरत थी। मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा तो भी लोग करेंगे। आज हिंदुस्तान के 3% लोग, हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ है और उसका 3% होते हैं 4 करोड़ लोग। कितने लोग होते हैं जी? 4 करोड़ लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को कर रहे हैं। और KPMG जो भी गवर्नमेंट की सर्वे एजेंसी है, वो ये कहती है 2025 तक 10-15% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएंगे। कितने लोग आ जाएंगे? 10-15, यानी कि 10-15% का मतलब होता है 13 करोड़ लोग। यानी अगले 4 साल में हम काम करें या ना करें, लेकिन 13 करोड़ लोग इस बिजनेस के अंदर आ जाएंगे। और 2037 यानी 2037 के अंदर पूरा विश्व, पूरा संसार में जितना नेटवर्किंग का बिजनेस होता है, अकेले भारत में उससे ज्यादा बिजनेस है। आज की डेट में 18,000 करोड़ से ज्यादा बिजनेस होता है। हमारा 1 रुपए का भी टर्नओवर नहीं है तब भी होता है, और हमारा अगर कितना भी टर्नओवर हो जाए तब भी होता है। हेलो yes, यानी मेरे रुकने से ये बिजनेस रुकने वाला नहीं है, मेरे करने से मेरा बिजनेस चलेगा। कंपनी का बिजनेस तो ऑलरेडी हो रहा है। ये बात जब समझ में आई तो मैंने अपने काम की स्पीड और बढ़ाई, और दूसरे महीने भी मेरा जो पे आउट था वो लगभग 2,500 के आसपास आया, ज्यादा नहीं आया। फिर इस काम को और बेहतर तरीके से सीखा, अपने अपलाइन के साथ बैठकर काम और अच्छे तरीके से कर सकता हूं। और फिर उन्होंने कुछ बातें बताई कि ये करनी है इस बिजनेस में और ये नहीं करनी है। आप जो जानते हो वो ही जानते हो, पर जो नहीं जानते वो आपको सीखना पड़ेगा। हेलो yes, yes। सीखते हुए काम किया और तीसरे महीने मेरा पे आउट 5.5 लाख रुपए का आया। महीने में लगभग 2.5 करोड़ रुपए में यहां से कमा चुका हूं। मेरा हाईएस्ट पे आउट जो है इस कंपनी से 25 लाख रुपए का रहा एक ही महीने का, 25 लाख रुपए का एक ही महीने का। रेगुलर मेरा पे आउट जो है 15 लाख से ऊपर रहता है। जैसे इस तरह सर ने बताया कि लॉकडाउन के अंदर भी हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन जो टीम बनाई थी अकेले जो सफर स्टार्ट किया था, आज मेरी टीम में लगभग 2 लाख लोग जो हैं पूरे हिंदुस्तान से ज्वाइन कर चुके हैं, काम करते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो अभी 1% भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले 22 महीने में हमारी टीम लगभग 8-10 महीने तो लॉकडाउन में निकल नहीं पाए। आप सोचो अगले 1 साल में कितना होगा। ये 2 लाख लोग जो टीम बन गई है,
ये टीम जो ना अगले एक साल में कितनी बनेगी, अगले पांच साल में कितनी बनेगी। और वो दिन दूर नहीं है कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में अगले तीन साल में पूरी हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां एक तरफ होंगी और हैप्पी हेल्थ इंडिया एक तरफ। गजब की बात ये है, जैसे अगले तीन साल में नेटवर्किंग वर्सेज हैप्पी हेल्थ इंडिया होना है, ऐसे ही हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर पूरी हैप्पी हेल्थ इंडिया की टीम का नेटवर्क एक तरफ होगा और हमारी टीम का एक तरफ होगा। आज आपके पास मौका है, आज आप देखो कि 22 महीने में एक आम आदमी ने काम स्टार्ट किया और मेहनत करके काम किया और आज इनकम जो है वो 25 लाख से ज्यादा है महीने की। जब मैं कर सकता हूं तो इस हॉल में बैठा हर इंसान कर सकता है। जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, कामयाब कैसे होंगे आप, कैसे कामयाब होंगे, कामयाब होना चाहते हैं? Yes. सब कामयाब होना चाहते हैं? Yes. देखो आधे से ज्यादा लोगों ने तो हाथ ही नहीं उठाया, चाहता तो हूं पर यकीन नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? मेरे बापू कामयाब नहीं हुए, मेरा दादा कामयाब नहीं हुआ, तो मैं कैसे हो सकता हूं? हेलो, अगर आप कामयाब हो सकते हो तो यार हाथ उठाने का हौसला तो कर ही सकते हो ना। यस। हेलो, नारी कामयाब होना चाहते हैं? कामयाब होना चाहते हैं? ढीले ढाले लोगों को कुछ नहीं मिलता, लेजी आदमी को कुछ नहीं मिलता है, क्रेजी आदमी को मिलता है। हेलो। जैसे आप कामयाब होना चाहते हैं, इस दुनिया के अंदर हर आदमी कामयाब होना चाहता है, हर आदमी पैसे कमाना चाहता है। मेरी आवाज आ रही है पीछे? यस सर। यस सर। वो क्या था, बचपन में ना घर वाले जो है सवेरे उठते ही लाठी हाथ में पकड़ाते थे, कहते खेत की रखवाले कर जाए, और मैं भी चला जाता था और वहां पर जो है नियम क्या है जी, किया हुआ काम कभी खराब नहीं जाता। आप अच्छा काम करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, अगर आप नहीं करेंगे खराब काम करेंगे उसका फल भी मिलेगा। हेलो। यस। आज तक जो आप करते आए हैं अगर आप वही करते रहे तो आज तक जो आप हैं वही बने रहेंगे, वही बने रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो आज तक मैं हूं वो ना रहूं, बदल जाऊं, मेरे को लाखों रुपए महीने की इनकम आने लग जाए, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। हेलो। यस। यस। जैसे आप कामयाब होना चाहते हैं, इस दुनिया में हर आदमी कामयाब होना चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कामयाब नहीं होना चाहता? सब होना चाहते हैं सर। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कामयाब नहीं होना चाहता? सब कामयाब होना चाहते हैं। यस सर। चाहते हैं ना? यस सर। सब कामयाब होना चाहते हैं, पर डाटे क्या बोलते हैं, डाटे ये बोलते हैं 95% लोग इस दुनिया में 95% लोग फेलियर हैं या एवरेज लाइफ होते हैं। 95% लोग सारी जिंदगी गरीब पैदा होते हैं और गरीबी की ही जिंदगी जीते हैं और गरीबी मर जाते हैं। इनको इनकी इनको जो है इनकी कंपनियों में लगने वाला वाली बिजली का बिल परेशान करता है, इनको इनके भाई की शादी में खर्च होने वाला परेशान पैसा करता है, इनको इनकी बहनों की शादी में होने वाला खर्चा परेशान करता है। क्या आप चाहते हैं यही जिंदगी रहेगा? No, sir. क्या चाहते हैं जिंदगी में? No, sir. देखो 95% लोग भी अमीर बनना चाहते हैं लेकिन नहीं बन पाते, लेकिन बचे हुए 5% लोग ऐसे हैं जो आज दुनिया में सक्सेस है। क्या है? सक्सेस है, कामयाब है, कामयाब है। इनके पास सब कुछ है, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बंगला, बढ़िया व्यवसाय। इनका जब मन करता है ना शॉपिंग करने का तो ये अपनी गाड़ी उठाते हैं और एयरपोर्ट में पहुंचते हैं, पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं और वहां से फ्लाइट पकड़ते हैं और दुबई चले जाते हैं।
और दिन भर वहां पर शॉपिंग करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, शाम को फिर पार्टी करके वापस आते हैं। हेलो, इनके लिए पैसा बहुत छोटी चीज हो गई, इनके पास दुनिया के सारे सुख हैं। हेलो, राशनदारी इनमें और उनमें क्या फर्क है? आपके हिसाब से इन में क्या फर्क है? क्या फर्क है? कोई फर्क है क्या? अगर आप ध्यान से देखें तो गुजारा करने वाले आदमी में और कामयाब आदमी में हार्डवेयर का कोई फर्क नहीं है। हार्डवेयर का मतलब बॉडी, बॉडी स्ट्रक्चर। 95% लोग जो गरीब पैदा होते हैं, गरीब जिंदगी जीते हैं और गरीबी मर जाते हैं। इनके भी दो हाथ पैर हैं, इनकी भी दो आंखें हैं, इनके भी जो है ये मुंह। बॉडी के सारे ऑर्गन सेम है, यानी हार्डवेयर सेम है। और जो लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, इनका भी हार्डवेयर सेम है, इनके पास भी वही बॉडी स्ट्रक्चर है। तो डिफरेंस क्या है? क्या कारण है कि हर आदमी कामयाब होना चाहता है फिर भी कुछ ही लोग कामयाब? क्या कारण? हेलो, सोच का फर्क है, काम करने का तरीका, काम करने का तरीके का फर्क है। ये वो काम करते हैं जो करना नहीं चाहते, ये वो काम करते हैं जो करना नहीं चाहते। क्या ये 95% लोगों को ये बात नहीं? सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। हेलो, सब कुछ पता है, सब कुछ पता होने के बाद भी ये 95% लोग हमेशा किसी न किसी बहाने का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? बहाने का, बहाने का। और ये 5% लोग वो है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो करना ही है। क्या कहते हैं? चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो करना ही है। देखो, ये 5% लोग है ना, ये इनकी सोच अलग है और इनकी सोच अलग है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जो है एक शास्त्र पढ़ते हैं जिसका नाम है लोक शास्त्र। क्या नाम है जी? लोक शास्त्र। लोक शास्त्र, ये नया शास्त्र, ये लोगों को द्वारा लोगों को कही जाने वाली बातें। क्या करे, बहुत सारी कंपनी आई, कुछ नहीं हो गया। हेलो, तो हस्ती है, कामयाब नहीं हो सकती। तू कम पढ़ा लिखा है इसलिए कामयाब नहीं हो सकता। चार दिन मेहनत करते ही ये थक जाते हैं, कहते हैं यार खाने तो दो रोटी है, क्या करना चाहते हैं? हेलो, पैसा तो बुराई की जड़ है, पैसा तो हाथ का मैल है। सुना ही सुना है? यस सर। क्या है? पैसा तो हाथ का मैल है। अगर पैसा हाथ का मैल है तो आपके बाथरूम में एटीएम क्यों नहीं लगा? बहुत सारे लोग हैं ये क्या करते हैं, लोक शास्त्र ही पढ़ते हैं और लोक शास्त्र ही बताते हैं। लोक शास्त्र ही पढ़ते हैं, लोक शास्त्र ही बताते हैं। और अगर आप इनके साथ कक्ष में हैं तो आप भी लोक शास्त्र ही पढ़ेंगे और लोक शास्त्र ही बताएंगे। हेलो, आपको अगर अमीर बनना है, अमीर बनना है तो अमीरी का रास्ता कौन बता सकता है? कौन बता सकता है जी? अगर अगर आपको बीमारी में सलाह लेनी है तो किसकी लेंगे? डॉक्टर की। अगर आपको कानून में सलाह लेनी है, वकील की। अगर आपको जंगल के बारे में पता करना है, फॉरेस्ट। हेलो, यस। अगर आपको खेती बाड़ी के बारे में पता करना है तो किसान जी। यस सर। राजनीति के बारे में पता करना है, पॉलिटिशियन। किससे पता करेंगे जी? राजनेता से। पॉलिटिशियन से। ऐसे ही अगर आप अमीर बनना है तो अमीर की शिक्षा कौन देगा? रिच मैन। जो लोग खुद अमीर हैं वो अमीर की शिक्षा देंगे। और इसी बात की इम्पोर्टेंस को समझते हुए पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट कियोसाकी, नाम सुना है? यस सर। रॉबर्ट कियोसाकी ने भूख लगी थी, परेशान हो गए, रिच डैड और पुअर डैड। रिच डैड और पुअर डैड, यानी आपको जो पैदा करने वाला है, आपके सरक्रम में जो आदमी है, अगर वो अमीर नहीं है तो वो गरीब है और वो गरीब जी की शिक्षा दे सकता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अमीर बात सुनना पड़ेगा। हेलो, यस। आप सब अमीर बनना चाहते हैं? यस। अमीर बनना चाहते हैं? यस सर। अमीर बनना चाहते
चाहते हैं, yes! करना चाहते हैं, yes! आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके फोन बुक में, फोन बुक में ऐसे आदमी का नंबर है जो 5 लाख रुपए महीना कमाता है, 10 लाख रुपए महीना कमाता है, 50 लाख रुपए महीना कमाता है? हेलो, कितने ऐसे आदमी 1 लाख रुपए महीना कमाता है? कितने लोग ऐसे, एक या दो या चार? बस अगर आपको अमीर बनना है आपके फोन बुक में सबसे पहले वो लोगों के अंदर होने चाहिए जिनकी इनकम 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख में महीना है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस कंपनी से, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो अचीवर है, अगर वो कामयाब है, तो कामयाब होने का रास्ता सभी कंपनियों में सेम है। कामयाब आदमी की सोच सेम है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, अगर वो अमीर है यानी कि वो 5% में आया है, यहां से यहां पर आया है, तो रास्ता सेम है। यहां से यहां आने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी कि यस, मैं वो व्यक्ति हूं जो अमीर बनने के लिए ही पैदा हुआ, क्योंकि मैं मनुष्य, मैं बोलूं जी मनुष्य, इस दुनिया में मनुष्य से ऊपर कोई जन्म नहीं है। इस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ जीवन कौन है? मनुष्य है। आप कीड़े मकोड़े नहीं है, आप कोई जानवर नहीं है, आप इंसान है, और इंसान का जीवन सबसे श्रेष्ठ। अगर आप इंसान के जीवन में भी सारे सुख नहीं देंगे तो फिर कौन सा जन्म दे आएगा? हेलो, यस सर, आपको यह विश्वास करना है कि मुझे जब परमात्मा ने इस सृष्टि में भेजा है तो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ जीवन दिया है, तो इसका मतलब इस सृष्टि के अंदर जितने भी सुख है वो सब मिले। हेलो, इनको विश्वास ही नहीं होता बेचारे, इनको विश्वास ही नहीं होता कि ये सुख मेरे लिए, इनको लगता है मैं तो गरीब ही पैदा हुआ हूं, गरीबी में जीना है और गरीबी में कुछ नहीं रखा हमने। हेलो, आसमानी, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले अपनी सोच बदली कि मुझे तो अमीर बनना ही बनना है, मुझे तो अमीर बनना ही बनना है, मुझे गरीबी की जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे गरीबी का जीवन नहीं जीना, क्योंकि तो गरीबी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है। ज्यादा होगा तो झगड़ा नहीं होगा। आपको सबसे पहले अमीर बनने के लिए अमीरी बारे सोचना है। ये सृष्टि जब बनाई तो भगवान ने जो है ये कर्म प्रधान सृष्टि बनाई। क्या बनाई जी? कर्म प्रधान। कर्म प्रधान। आप देखिए रामायण को पढ़िए, भगवान श्री राम जो कि भगवान का अवतार है वो भी कर्म के आगे निकलते हैं। वो भी क्या थे जी? कर्म के आगे निकलते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाभारत की अगर बात करूं तो वो भी कर्म के आगे निकलते हैं। यानी हर इंसान को अमीर बनने के लिए पैदा किया गया है, हर इंसान को दुनिया के सारे सुख भोगने के लिए पैदा किया गया है, पर कर्म का नियम छोड़ा गया है। और कर्म तीन तरह से होता है। सबसे पहला कर्म कौन सा होता है? सबसे पहला कर्म कौन सा होता है? जब आप विचार पाते हैं कोई तो वो एक कर्म होता है। वो क्या होता है जी? कर्म। विचार भी एक कर्म है, यानी सोच। सबसे आसान कर्म कौन सा है? विचार का कर्म है। और हम सारा का समय वही कर्म खराब करते रहते हैं, हम दूसरे के लिए बुरा सोचते रहते हैं, हम हमेशा अमीरों को खराब बताते रहते हैं, हम हमेशा नेगेटिव बातें ज्यादा सोचते हैं। और अगर हमने नेगेटिव बातें सोची तो हमें नहीं पता पर हमारा कर्म हो गया। दूसरा कर्म होता है बोलने का। दूसरा कर्म कौन सा है? बोलने का। आपने किसी को गलत बोल दिया तो भी कर्म हो गया। जब आपको बोलने के लिए आजादी मिली है तो अच्छा भी बोल सकते हैं और बुरा भी बोल सकते हैं। हेलो, यस, आसमानी, यस, आसमानी, यस।
दूसरा कर्म है बोलने का और तीसरा कर्म है काम करने का। यानी कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले अपने कर्म को ठीक करने है। क्या करते हैं जी? कर्म। सचिन तेंदुलकर ने अमीर बनने की सोची, हेलो सोची थी ना, मैं बनने की अमीर बन गया। एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी ने अमीर बनने की सोची, अमीर बन गया। नरेंद्र मोदी ने अमीर बनने की सोची, अमीर बन गया। हेलो अपनी सोच को बढ़ा दिया। क्या किया है? सोच को बढ़ा दिया है। यानी कि मुझे कामयाब होना है हर हाल में, हर हाल में। हेलो, इस दुनिया में आपको कोई कामयाब कर नहीं सकता, आप तो सिर्फ आप ही कामयाब कर सकते हैं। अपने जीवन की जिम्मेवारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। सबसे पहले जब आपकी सोच पैदा करनी है, दूसरा आपको एक रास्ता बनाना है। क्या करना है जी? रास्ता चाहिए। सबसे पहले सोच चाहिए, फिर रास्ता चाहिए। बहुत सारे लोगों को रास्ता ही नहीं मिलता या उनको रास्ता नजर ही नहीं आता। वो सारी जिंदगी काम करते रहते हैं, उनको लगता है अमीर बन जाऊंगा, लेकिन वो गुजारे वाले रास्ते में चलते रहते हैं। आप जितने भी कामयाब लोग हैं, आप एक नजर मारते अपनी जानकारी में, चाहे वो मैरिक कौन हो, चाहे वो धोनी साहब हो, चाहे सचिन साहब हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अक्षय कुमार हो, इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, उन सब ने एक रास्ता चुना। और जब रास्ता चुना, उसके बाद फिर किसी की नहीं सुनी, उसके बाद किसी की नहीं सुनी। फिर वो तब तक काम करते रहे, तब तक मेहनत करते रहे, जब तक वो कामयाब नहीं हुए। फोकस रहे अपने काम पे। इस युग के अंदर फोकस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है। मोबाइल आपके पास है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। यानी आपको भ्रमित करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर अगर आप भ्रमित हो गए तो आप 95% लोगों में लोग, और अगर आप भ्रमित नहीं हुए तो आप 5% लोगों में आ जाएंगे। हेलो असमारी, तो आपको क्या चाहिए? रास्ता। आज हमारे पास हैप्पी हेल्थ इंडिया एक रास्ता मिलती है। हैप्पी हेल्थ इंडिया क्या है? क्या है हैप्पी हेल्थ इंडिया? रास्ता। क्या है हैप्पी हेल्थ इंडिया? रास्ता। क्या है जी हैप्पी हेल्थ इंडिया? रास्ता। क्या है हैप्पी हेल्थ इंडिया? रास्ता। आपको अमीर बनाने का एक रास्ता है। आपने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, आपने कोई वेयर हाउस नहीं खोला, आपने कोई आरएनडी नहीं करी, लेकिन हैप्पी हेल्थ इंडिया में जुड़ के आपको नेटवर्क बनाने का मौका मिला। आपने भी नेटवर्क बनाया तब अमीर बने। हीरो होंडा ने अपना नेटवर्क बनाया, मारुति सुजुकी ने अपना नेटवर्क बनाया, जियो ने अपना नेटवर्क बनाया, एयरटेल ने अपना नेटवर्क बनाया। इन सब अमीर आदमियों के अपने अपने नेटवर्क है, अपनी अपनी टीम है। ऐसे ही अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी, आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आपके जानकार बहुत है, लेकिन जानकार है वो आपकी टीम का हिस्सा नहीं है। जो आपकी टीम में है वही टीम का हिस्सा है, जो कंधे से कंधा मिला के आपके साथ काम कर रहे हैं वही आपकी टीम का हिस्सा है। हेलो यस। यानी आम आदमी को अगर अमीर बनना है तो सबसे आसान रास्ता है टीम बनाना। आज मेरी टीम 2 लाख लोगों की है। अगर 2 लाख लोग अपने लिए एक एक घंटा में काम करके, तो मेरे लिए कितने घंटे काम हो गया? कितने घंटे काम हो गया? 2 लाख घंटे काम हो गया। जितना ज्यादा काम होगा, जितने घंटे मल्टीप्लाई होंगे, उतना ही बड़ा प्यार होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, आदमी अकेला सिर्फ 24 घंटे काम कर सकता है। अगर उसको 48 घंटे काम करना है तो 2 आदमी चाहिए। अगर उसको 100 घंटे काम करना है तो 4 आदमी चाहिए। अकेला सारा काम नहीं कर सकता, और ये काम आप सब टीम बनाकर कर सकते हैं। अगर आप पिछले 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से
नेटवर्किंग तो जानते हैं, लेकिन अगर आपकी टीम नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब आपका डुप्लीकेशन पास नहीं होगा। इसका मतलब आप पहले भी वही जानते थे जो आज जानते हैं, अपनी अपनी आपकी ग्रोथ नहीं होगी। हेलो, आप कितने लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानते, नेटवर्क मार्केटिंग को जानते, नेटवर्क मार्केटिंग को जानते? सर आप नेटवर्किंग को नहीं जानते, नेटवर्क मार्केटिंग को जानते, हैप्पी हेल्थी डे को जानते, टूटा हुआ है सक्सेस डिजाइन क्या? हेलो, कितने लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानते? मुझे पता है तुम सब पुराने पार्टी बहुत सारी कंपनियों में पर्ची कटवा रखी है। हेलो, यस, कितने लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं? उठा दो उठा दो, कितने लोग जानते हैं? लगभग सभी लोग जानते हैं, पर सोना खा रही है। कोई शर्माने की बात नहीं यार, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है और आप इसको जानते हैं तो अच्छी बात है ना। आपका एक्सपीरियंस खराब है या अच्छा है बात ही बात है, पर आप जानते हैं, यानी कि आप 130 करोड़ में से 4 करोड़ लोगों में आते हैं जो जानते हैं। हेलो, असमारी सबसे पहले तो जानना जरूरी है, फिर अचीव करना। अब देखो अचीव करने के तरीके क्या है, क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? yes. क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? yes. नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी आदमी जुड़ जाता है ना, तो सबसे पहले अपने आप को लीडर मान लेता है। वो क्या मान लिया जाता है? लीडर। मैं तो साला लीडर बन गया। हेलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना, कई बार लोग मुझे बुलाते हैं, बस सर एक शानदार लीडरशिप दिखाना है। जब उसके पास पहुंचता हूँ और उससे पूछता हूँ, भाई साहब आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कितना पैसा कमाया? मतलब वो पैसा नहीं कमाया, एक कंपनी में जुड़ा। हेलो, मैंने उसके अंदर काम नहीं किया, फिर मैं दूसरी कंपनी में जुड़ गया, फिर मेरा एक और रिश्तेदार आया, फिर मुझे तीसरी कंपनी में जोड़ दिया। हेलो, जो आदमी खुद कामयाब नहीं हुआ, क्या वो कामयाब होने का रास्ता बता सकता है? आप जितने भी लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, जितने भी लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, अगर वो आपके साथ ज्वाइन करते हैं या इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, तो वो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड बनते हैं ग्राहक। क्या बनते हैं? ग्राहक, कस्टमर। क्या बनते हैं जी? कस्टमर। सबसे पहले क्या बनते हैं? कस्टमर। कोई भी आदमी नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी का अगर सामान परचेज करता है, सामान खरीदता है, तो क्या बन जाता है? कस्टमर। क्या बन जाता है? कस्टमर। क्या बन जाता है? कस्टमर। कस्टमर बनता है क्योंकि उसने एक बार सामान खरीदा है। क्या किया उसने? क्या किया उसने? सामान खरीदा है, एक बार परचेजिंग करी है। आपकी टीम के अंदर भी बहुत सारे लोग एक बार सामान खरीदेंगे, वो लीडर नहीं है, वो आपके कस्टमर है। क्या है वो? कस्टमर। वो क्या है? सामान खरीदने वाला कस्टमर है, ग्राहक है आपका। क्या है वो? ग्राहक है। अब सेकंड पायदान क्या आता है? आपकी टीम में जितने भी लोग बार बार सामान खरीदेंगे, हर महीने सामान खरीद रहे, 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 उनको मार्केट से सामान खरीदने वाला दाले मसाले अचार पापड़, वो मार्केट में सामान नहीं करेंगे, वो हैप्पी हेल्थ इंडिया के स्टोर से सामान खरीदेंगे। क्या कर रहे हैं? हैप्पी हेल्थ इंडिया के, हैप्पी हेल्थ इंडिया के स्टोर से सामान खरीद रहे हैं। यानी उन्होंने अपनी आदत बदल दी, उन्होंने अपनी दुकान बदल दी। क्या कर दी? दुकान। क्या कर दी? दुकान बदल दी। क्या कर दी? दुकान बदल दी। दुकान बदल दी। अब ये कस्टमर आपके डिस्ट्रीब्यूटर, ये क्या क्या बन गया आपके डिस्ट्रीब्यूटर? डिस्ट्रीब्यूटर। ये कौन है जो लगातार आपका सामान परचेज करता है, जो लगातार आपका सामान परचेज कर रहा है, हर महीने सामान खरीदता है, जब भी घर का सामान खत्म होता है ये सामान खरीदता है, अपने हेल्थ स्टोर से जाता है।